हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्लानिंग पे। तो गाइस, स्प्रेडशीट्स को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी दिक्कत है, या आप चाहते हैं कि आपके टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आए, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आज हम इस वीडियो में हमारे टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे ही आप अपनी एक्सेल की शीट को ओपन करते हैं तो उसमें आपको शीट नजर आती है, शीट 1, 2, 3। आप बॉटम की तरफ देखोगे तो वहां पर गाइस आपको शीट नंबर 1 पे काम करना है, दूसरी और तीसरी पे काम नहीं करना है। तो शीट नंबर 1 पे आप जब काम करेंगे, आप देखेंगे कि आपके ऊपर ABCD ऐसे चल रहा है और आपके लेफ्ट हैंड साइड आपकी गिनती चल रही है। तो गाइस, ऐसा ही हमने भी आपके क्वेश्चन में दिया है। ये आपको एक्सेल का जो रूप दिखाने के लिए किया है, ये आपको टाइप नहीं करना है। हम हमारी शुरुआत नेम से करेंगे। तो सबसे पहले आपको नेम लिखना है, और गाइस नेम और रोल नंबर बड़े ध्यान से लिखिएगा और अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि यहीं से आपकी इवैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब गाइस, एक बात मैं आपको ऐड करूंगा, इसको करने के दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं उसे शुरू से फॉलो करते आगे बढ़ सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि आप पहले फटाफट रफ टेबल बना लो और उसके बाद अपना ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। तो ये जो बाद वाला मेथड है गाइस, इसमें टाइम की बचत होती है, क्योंकि हम फटाफट टेबल बना लेते हैं और इंस्ट्रक्शंस को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक इंपॉर्टेंट बात, इससे फायदा क्या हुआ, आपको हो सकता है बीच में मैं पहले फॉन्ट कोई भी सिलेक्ट कर लूं, बीच में कहते इधर दूसरा फॉन्ट लगाओ, इधर दूसरा साइज लगाओ, इसीलिए कहता हूं, इसलिए रफ टेबल बनाना ज्यादा सही है। तो हम हमारी रफ टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, जब आप रो नंबर 4 में ध्यान से देखेंगे तो रो नंबर 4 में इन्होंने सेल्स को मर्ज कर रखा है, ए से लेकर एफ तक सिलेक्ट किया मैटर। और मर्ज के लिए आप होम पे जब देखोगे, रैप टैब के नीचे मर्ज एंड सेंटर अलाइन का ऑप्शन होता है। जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो सारी की सारी सेल्स आपकी मर्ज हो जाएंगी, और इसके बाद हम आराम से इसमें अपना मैटर लिख सकते हैं। और गाइस, आप सभी की टाइपिंग अब अच्छी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मैटर आराम से टाइप कर सकते हो। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत, कोई भी गलती हो जाती है तो हम वहां पे अपनी करेक्शन तो कर ही सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपके रो नंबर 5 पे। तो रो नंबर 5 पे जब हम जाएंगे तो गाइस इधर देखिएगा, देखिए आपको सबसे पहले लिख लेना है रोल नंबर, और ये सारा आपने डाटा टाइप करना है। तो गाइस, ये डाटा तो आप आराम से टाइप कर ही सकते हैं। तो इधर मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा भी जो रो नंबर 5 में इम्पोर्टेंट है। आप नेम को करा सेलेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसमें आपका डाटा लिख रखा है मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो इधर गाइस मैं आपको बातें सिखाता हूँ। कई बार आपका कोई डाटा है सेल को एक्सीड कर जाएगा, सेल से आगे निकल जाएगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसमें ऑटो फिट कर सकते हो, या आप इसकी मतलब चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हो। ऑटो फिट करना है तो दोनों के बीच में डबल क्लिक कीजिएगा, सी और डी के बीच में, तो ये ऑटो फिट हो गया। तो ये ऑटो फिट करना गाइस आपको आ गया है। इसके बाद जैसे हम आगे लिखते हैं, आराम से बातें करते हैं, मार्क्स इन सब्जेक्टिव पेपर। तो जब हमने इसमें लिखा तो हमारा टेक्स्ट अभी भी एक्सीड कर गया, तो हम दोबारा से ऑटो फिट करेंगे डबल क्लिक करके। ये ऐसी तरीके से मैं अभी सिखा रहा हूँ, हर तरीके से हम इसमें कर लेते हैं टोटल। टोटल लिखते हैं गाइस, तो अगर कोई भी लेटर छोटा बड़ा हो जाता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको गाइस कहूंगा कि साथ की साथ अगर कर पाओ तो अच्छा है। तो इसके बाद बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की, तो हमने लिख दिया। इसके बाद गाइस, जो कि इन्होंने ये सारा का सारा जो इसमें टेबल में भर रखा है, ये आप सभी भर सकते हैं, तो इसमें कोई सिखाने की बात नहीं है। बात आएगी इसको अलाइनमेंट करने की, जो डाटा फिल करना था वो डायरेक्ट हमने कॉपी कर लिया है पहले से ही। तो गाइस, अब हम टोटल करके और एवरेज की बातें करते हैं। तो टोटल करने के लिए गाइस आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हमने सी और डी कॉलम का टोटल करना है, आप ऊपर देखे ऑटो सम है, अब डायरेक्ट ऑटो सम कर सकते हैं, आपको टोटल मिल जाएगा। अब सबसे अच्छी बात यह है, एक्सेल में बार बार टोटल नहीं करना, इसी को नीचे से ड्रैग कर देंगे और सारी की सारी रो का आपका टोटल हो जाएगा, और टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद आप टेबल में देख रहे हैं एवरेज लिख रखा है। एवरेज गाइस 101% निकालना आता है पेपर में, तो एवरेज के लिए तैयार हो जाए। यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है, कॉलम जो इसको है ए और बी को मर्ज कर रखा है, जो कि आप मर्ज वाली जो मैंने तरीका बताया था उसको देखकर कर सकते हैं। तो अब इधर हम एवरेज के लिए गाइस फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए इक्वल टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद एवरेज लिखेंगे, स्पेलिंग सही होनी चाहिए गाइस। इसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है।
रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और क्लोज करने के बाद आप एंटर दबाओगे। जैसे ही एंटर दबाओगे आपको एवरेज आ जाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको बार बार एवरेज नहीं करना, ड्रैग करते ही ये हो जाएगा। तो सिंपली मैं आपको ये बात कह सकता हूँ, टेबल को जितना बनाने में आपका टाइम लगेगा उसका बहुत कम हिस्सा आपको ये टोटल एवरेज करने में लगेगा, ये तो ड्रैग करने से ही हो जाता है। इसके बाद गाइज हम अगर आपको जैसे भी अब इंस्ट्रक्शंस देंगे, अब ये हमारा काम हो चुका है, रफ टेबल बन चुकी है, इंस्ट्रक्शंस को करने में हमारी मुश्किल से 2 मिनट लगती हैं, तो हम इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहले वाले पे जो इंस्ट्रक्शंस थी कि वर्कबुक ओपन करो, ये तो हो ही चुकी है। दूसरे में आपको साइज करना है पेज का, तो आप इधर पेज लेआउट में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको पेज का साइज मिलता है, डिफरेंट साइज होते हैं, जैसा दिया हो वैसा लीजिए, A4 है तो A4 ले लेते हैं। उसके बाद आप जाओगे ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है तो लैंडस्केप चूज कर लिया। अब जाएंगे मार्जिन पे, मार्जिन पे आप इसको कैसे चले जाओगे नॉर्मल पे। अब गाइस इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। इन्होंने कहा था कि सभी का 12, आपका सेल का साइज 12 होना चाहिए, फॉन्ट आपका एरियल होना चाहिए। पूरी टेबल को सिलेक्ट किया, एक बारी में ही हमने अपना साइज 12 कर लिया और एक बारी में ही हम हमारे एरियल फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ हमारे को बचत होती है। अगर कहीं भी आपका ये सेल एक्सीड कर रहा है तो हम उसको उसकी लेंथ और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज आपको मैंने जब भी बताई थी, अब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें टाइम नहीं लगता है गाइस। तो अब इसके बाद गाइस बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट नंबर जो इंस्ट्रक्शन 4 की है। इंस्ट्रक्शन 4 में इन्होंने कहा है कि जो रो नंबर 4 है आपका, तो रो नंबर 4 में आपने पूरी पूरी रो का जो फॉन्ट साइज 14 कर लेना है, इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करते समय बोल्ड कर दिया, बोल्ड की अंडरलाइन के लिए आप इधर इसको ये दबा सकते हो। इसके बाद इसको सेंटर लाइन करने के लिए कहा था, वो हमने आपको पहले से ही मर्ज एंड सेंटर अलाइन की जब की दबाई थी तो वो ऑलरेडी सेंटर अलाइन हुई होती है, तो इसलिए आपको दोबारा से सेंटर लाइन में ध्यान नहीं करनी होती। तो गाइस अब हम बात आगे करेंगे, अभी हम जो रो नंबर 5 की है वो इंस्ट्रक्शंस करेंगे। गाइस इससे पहले अगर आपने हमारी स्प्रेडशीट की टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खरीदें ताकि हम इस सीरीज को काफी लंबे तक ले जा सकें, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखा सकें। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट खरीदें। अब इधर हम बातों को देखते हैं, तो सबसे पहले आप जब आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, सबसे पहले जो डाटा है वो आपका अलाइन है, अलाइनमेंट आपकी सेंटर में है, तो हम इसे सेंटर का अलाइनमेंट चूज करेंगे। तो वो यहाँ से आप देखोगे ये सेंटर का अलाइनमेंट यहाँ से चूज किया जाता है, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपका ये डाटा के लिए इसमें बोला है टॉप अलाइनमेंट, तो टॉप अलाइनमेंट इसके ऊपर होता है, तो टॉप अलाइनमेंट आप यहाँ से कर दीजिएगा, टॉप अलाइनमेंट होगा। अब आप देख रहे हो भाई हमारा इसमें डाटा और इनके वाले डाटे में तो थोड़ा अंतर है। इन्होंने क्या कर रखा है गाइस, इन्होंने रैप टेस्ट फीचर का यूज कर रखा है, तो हम इसमें रैप टेस्ट लगाएंगे। तो जब हम रैप टेस्ट लगाएंगे तो एक बार क्लिक करते ही डाटा रैप हो गया, बट इनके वाले में जो आप देखेंगे कॉलम साइड से थोड़ा स्पेस ज्यादा है, इसको थोड़ा सा 5 से थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, तो आप जब जैसे ही देखेंगे तो आपका ये चीज यहाँ पर ये चीज बन जाती है। इसको ना जो आपकी चौड़ाई है थोड़ी सी आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ती है, ताकि इसको आप बिल्कुल डिटो वैसा ही रूप देश को जैसा कि इन्होंने आपको दे रखा है। तो गाइस ये चीजें थोड़ी सी आपकी थोड़ा प्रैक्टिस लेंगी, जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी ये चीजें वैसी ही बन जाएंगी। तो आप देख पा रहे हो हमने ऐसा कैसा बना दिया। अब हम बात करते हैं इस वाले उसकी, तो नेक्स्ट में आप अगर देखोगे गाइस, अब ये 5वें वाले की तो सारे इंस्ट्रक्शंस होगी। अब इसने सारी अलाइनमेंट जो नीचे जो डाटा है फीड कर रखा है, नाम को छोड़ के सारी है वो राइट अलाइनमेंट है, तो नाम भी आपकी राइट अलाइनमेंट है, तो नाम को भी हम राइट अलाइनमेंट दे देते हैं। जैसे आप इधर की सेंटर अलाइनमेंट होती है, यही से राइट अलाइनमेंट होती है। तो अब गाइस आप देख पा रहे हैं सारी चीज हो चुकी है, एक आपकी इंस्ट्रक्शंस बच जाती है कि भाई आपने इनको ना जो आपको टोटल और एवरेज वाला है इस वाले में आपने इनको एक रंग देना है। तो रंग देने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना है और इसमें रंग डाल देना है। याद रखें वही रंग दें जो इन्होंने बोला है। अगर देखो थोड़ा बहुत मिलता जुलता चल जाएगा, पर ऐसे नहीं लाल का पीला कर दो और ये बात नहीं चलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, काफी स्टूडेंट कहते हैं कि भाई नंबर कहाँ से कटता है, नंबर ऐसे कटता है गाइस अगर आप इसमें गलत डाटा फिट करोगे, गलत कोई भी करोगे तो आपका गलत एवरेज निकलेगा, गलत टोटल निकलेगा, गलत सभी चीज निकलेंगी। अगर एक कोई भी एंट्री गलत करोगे तो वो काफी जगह असर डाल सकती है, और जब आपका आंसर गलत आएगा तो उस चीज का आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ से आपके नंबर कट सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो ताकि आपको ये चीजें आदतें हों। अब हम कुछ नहीं करना, इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट बॉर्डर्स पे जाते हैं
और इसमें ऑल बोर्डर्स पे सिलेक्ट कर देंगे और ये हमारे टेबल का पूरा काम खत्म हो जाता है। अब गाइस आपको लास्ट काम रहता है, जाते जाते टाइम बचता है तो करेक्शंस कर लें, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो, जैसे हमने ट्रिपल एससी में सी छोटा किया था, ये आप इसको दोबारा से बड़ा कर दीजिए, कोशिश करें कोई एरर ना छोड़े, अगले को नंबर काटने का मौका ना दे। अब गाइस लास्ट में इसको आपको सेव करना होता है, वो आपको वहां बताएंगे सेव कैसे करना है, और लास्ट में इसका प्रिंट आउट लेना है, उस पे आपको साइन देने होते हैं, फर्दर प्रोसेस आपको एग्जामिनेशन हॉल में बता दी जाती है। तो गाइस ये थी आपकी एक्सेल का टेस्ट वन। गाइस अगर आप चाहते हो नेक्स्ट भी हम टेस्ट करें, आगे भी आप क्वेश्चंस लाके दें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। तो ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे उसके अनुसार ही आगे की सीरीज डिसाइड करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Thank you very much. Hope you enjoy the video. Jai Hind.